हेलो हेलो, अस्सलाम हेलो वालेकुम। हेलो हाँ हाँ, कौन भाई? भाई, आसिफ बोल रहे। हाँ आसिफ भाई, यहाँ बताइए। अरे अच्छा, ये बताइए सर, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? करेली मैं तो करेली में रहता हूँ। में हम भी रहते हैं, बताइए। आप तो कलंदीपुरम में रहते हैं? अरे करेली में आए हैं यार, इस वक्त बताओ नहीं, जोड़ भी बोलते हैं क्या? भैया। करेली में ही हूँ, ठीक है। वहां पे वो देखा है चकिया? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा घर करेली में। अच्छा, तो आपका घर करेली में है ना? मैं इस वक्त भाई अपने दोस्त के वहाँ आया था करेली में, अभी जाना है चकिया पे। वहां पे जो करबला वाली जो मस्जिद है, अभी जाके उसमें नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, उसके बाद अपने ऑफिस निकल जी लेंगे। जी नहीं, आप कलंदीपुरम में भी रहते हैं ना? हाँ, शांतिपुरम कॉलोनी में मेरे मामू का मकान है, हाँ, वहीं रहता हूँ। अच्छा, तो आप वो मुझसे नहीं, मफ्तर साहब से मुनादिर के लिए चैलेंज किए हैं क्या? मुझसे कौन, किससे? नहीं, नहीं, मफ्तर। मकसद उससे मुनाजरा। हाँ अबे भाई क्या मजाक कर रहे हो भाई, जिसको अलिफ जबर आ, बा जबर बा और हलक से बोलो खा खा, उसको इसके अलावा कुछ आता नहीं है, उससे कौन बात करेगा भाई? फोन पे मेरे भाई उससे हालचाल पूछने के लिए फोन किया तो उसका जाग गया जिन, तो और चीख के नहीं, चिल्लाने मैं लगा। कह, आमने सुनिए सुनिए सामने बात सुनिए होगी तो सुनिए, हमको लग रहा मारपीट हो जाएगी। नहीं, मारपीट नहीं होगी, मैं आपको जो है अमान देता हूँ। लेकिन एक बार और, नहीं, ये मतलब अमान मैं तो ये कह अल्लाह रहा हूँ, सुबहानो ताला देगा ना मेरे भाई, आप कौन होते हैं अमान देने वाले? नहीं, आप अगर तारीफ पढ़े तो बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों की पनाह लेके जो है काम वो जो पनाह हमको लेनी होगी तो हम किया। अपने साथियों की लेंगे ना मेरे भाई, जो भी देते हैं हाँ मुझसे, कि उनकी पनाह हाँ तो लेना नहीं है। नहीं, तो सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, बहुत शांति से मैं बात कर रहा हूँ। शांति से देखिए, बात कर आप रहे हैं। अगर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुफ्ती साहब को अलीफ जबरा और ये सब नहीं आता तो आज कल आप के कौन है उनको मुफ्ती साहब के, पहले सिखा बताइए, दीजिए ना। अपना तारुफ आप दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं मुफ्ती साहब? नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, मैं अटाले पे जब रहता कोई हूँ। नहीं है मैंने तो मेरे वो भाई फर्जी सुना, क्यों बीच में मेरे भाई अपने टांग डाल रहे हैं? तो तुम क्यों जो है अपनी टांग डाल ली हो? तो मेरे मेरा भाई मैं कहने तो का मतलब ठेकेदार ये हूँ ना, है, आप ठेकेदार थोड़ी ना है। अरे तुमको किसने ठीक दिया? हमको मेरे भाई अल्लाह के नबी ने वो दिया ना ठेका। क्या क्या ही बना है कि तुमको अल्लाह अरे किसने भाई मेरे ठेका भाई दिया? बुखारी की एक भाई ये हदीस है, हदीस का नंबर है 3664। उसमें क्या आता है पता है, कि अल्लाह के नबी ने हाँ फरमाया कि तुमको जितना मालूम हो लोगों तक पहुंचा दो, अगरचे एक आयत क्यों ना आती हो। तो हमें जितना अच्छा, तो मालूम है हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो हमको तो मोबाइल मेरे भाई ठेका वो अल्लाह के नबी ने से? दिया, नहीं, सुनो सुनो सुनो, तो तुमको ये कहा गया कि तुम मोबाइल से लोगों किसी को भी बात करो? जरिए से, फोन से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी यूट्यूब भी से, जो जरिए भी असबाब हो, असबाब को इख्तियार करना है। अल्लाह के से नबी ने भी तो सुनिए मेरे भाई इख्तियार सुनिए, किया असबाब। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, अल्लाह अगर के नबी ने मिलना जो काफिर है क्या बादशाहों को मुश्किल मेरे हो, भाई सुनिए कागज मेरी बात पे, मेरे भाई उतवा के भाई अपना भेजा ना इस्लाम की दावतनामा नहीं भाई। नहीं नहीं देखिए हाँ, लेटर होता था, सुनिए, खत होता था, उस दौर का जो मीडिया आप था उसको इस्तेमाल किया, और हम आज के दौर के मीडिया को सुनिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके तो ऊपर उतने ठेकेदार हूँ, मैं मीडिया तो कूद सब, सकता हूँ बीच में। आप जब कुछ है नहीं तो आप क्यों कूद रहे? मेरा सवाल तो आपसे है ना। नहीं, मैं नहीं, कैसे ठेकेदार हूँ बोलोगे? तो सुनो सुनो, हमारी अभी मेरी बात आपने मेरे भाई, सुनो। अभी आपने बोला है कि नहीं, मैं भैया कोई नहीं हूँ। तो जब आप उनके कोई हाँ नहीं है तो आप कहीं कूद रहे हैं बीच में? सुनिए, उनके पीछे मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ। तो उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो जाके क्या मेरे भाई सर पे हाँ उनको बैठा लेंगे अपने? ठीक ठीक सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, ज्यादा ना उनके पीछे बोलो, नमाज ठीक पढ़ते हैं तो है? उससे मेरा सुनो क्या सुनो लेना देना सुनो, भाई? जो तुम सुनो अगर वो इमाम अच्छा नहीं है तो सुनो जाके मेरे सुनो पे सुनो, किसी और के पीछे नमाज पढ़ो, नहीं, इमाम अच्छा नहीं है और इसमें अगर उनके सुनो, पीछे नमाज पढ़ आपको लो तो मेरे सबको भाई एक सीखने चीज की आपको जरूरत बता नहीं है। दें सुनिए कि उनके पीछे नमाज भी आपकी नहीं सुनिए, होगी हमारी बात सुनिए, वो आप हमको ना बताइए, वो तो मैं भाई। जानता हूँ किसके बताना पीछे हमारा मेरी फर्ज था। नमाज देखिए होगी अभी हमने किसके आपसे नहीं क्या है। कहा सुनिए था, अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनिए तुमको जितना मालूम हो लोगों तक सुनो पहुंचा दो। तो मैंने आपको मेरे भाई सुनो, इज्जत से बता दिया एक दोस्त के नाते कि उनके पीछे आपकी हाँ नमाजी नहीं होगी, क्योंकि वो अच्छा, मेरे ये भाई दुआ बताइए, ताबीज करने वाला सुनिए आदमी है, सुनिए ठीक सुनिए, है, शिर्क हमारी बात करता है, सुनिए, बिदात करता है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हमारी बात सुनिए सुनिए, जी बताइए, मेरी बात, आप बोलिए ना कहाँ प्यारे मुलाकात भाई। करेंगे? कहाँ मुलाकात करेंगे? कहाँ मुलाकात करेंगे आप? मुलाकात क्यों करेंगे? पहली चीज तो ये है ना,
यार आप मुलाकात करने से डरते हैं? नहीं डरते नहीं ना मेरे भाई, हम क्यों किसी से मिले, उसको क्योंकि हम जानते जानते हैं ना वहाँ पे मेरे भाई कोई बकवास खाली करना है बस, और कुछ होना नहीं है। तो आप अपना आप टॉपिक किसी दे दीजिए आप ना। एक काम कीजिए, आपके जमात के जो सबसे बड़े जो अल्लामा हैं आप उनसे मेरी मीटिंग फिक्स जी कराइए, हम बकायदा अरे जमीयत से भाई लेटर भेज इनसे के तो मेरे मिलते भाई, कहाँ, अल्लामा से काम ये सब कहाँ, छोटे किसकी मोटे बात लोग कर मेरे रहे भाई, हैं? इनका हो क्या काम? हाँ एक बार आज बात तक कर ली ना, मैं उसके बाद बात से मेरा इतने फोन आप नहीं उठा तुम्हारे रहे। समाज के सबसे बड़े इतनी आदमी रूख आप समझे गई है आपने। आपके सुनो मौलाना नईम अख्तर सुनो साहब की, कि बेचारे फोन नहीं उठाते हैं। सुनो हमारी बात, तुम्हारे जो सबसे बड़े भाई देखिए, मौलाना था हमारा उनको मकसद डॉक्टर ना साहब तो मेरे के भाई कोई मैं परेशान करना था, ना उनको मेरे भाई नीचा दिखाने का था। मेरा ये काम ही है कि सुनाता मैं आलमे दीन को फोन करके उनसे बात करता हूँ। मैंने इनके अच्छा बारे में भी सुना था कि भाई ये आलमे दीन है बरेलियों के, मैंने कहा इनसे भी सलाह ही हाँ बात कर लें, लेकिन इनका जिन अच्छा जाग गया और ये उल्टा सीधा दाव भाव कुछ भी, मतलब भाई वो उल्टा सीधा नहीं बोलने लगे, नहीं एक सुनिए बाप की सुनिए औलाद हो सुनिए तो सुनिए सामने आ जाओ, फला आ जाओ, ढमा आ सुनो जाओ, सुनो तो मेरा मूड खराब हो गया। सुनो हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। आपने विदत की तारीफ की, विदत की ये चीज है, ठीक है, उन्होंने अरे कहा भाई ये चीज दीन में हर गलत वो है। नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, उस काम को अगर कोई आज की देखिए तारीख में दीन समझ के करता है तो भाई वो बिदअत है। देखिए देखिए, अभी अभी कुछ दिन पहले मंसूर पार्क में जलसा हुआ 16 तारीख को, वहाँ पे माइक भी इस्तेमाल हुए, टेंट भी इस्तेमाल हुए, ये सारी चीजें बिदअत में आती हैं, ठीक अच्छा ये है। बिदअत है, लेकिन वहाँ पे जो लोग, ये बिदअत वहाँ पे किसने जो बताया, लोग ये किस जाहिल ने बोला है बिदअत है? जो अल्लाह के रसूल के बाद जो जितनी बिदत है, बिदत तो हम लोग और अरे भाई ये माइक लगाना, तंबू लगाना, टेंट लगाना, हाँ कुर्सी बिछाना, ये मेरे भाई सुनिए। बिदअत है, ये किस जाहिल ने तारीफ की है? और एक मिनट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिदों का हाल क्या हुआ करता था, आज मस्जिदों का हाल क्या है, ठीक है। पहले क्या हाल मार है? फल उठाए थे, अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी। अरे भाई वो जरूरत है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाके एक बार देख लीजिए यूट्यूब पे कि मेरे भाई सुन्नत क्या होता है, बिदत क्या होती है, जरूरत क्या होती है, आप जरूरत सुनिए को मेरे बिदत बनाए भाई, दे रहे हैं। सुनिए सुनिए मेरे भाई, आप मेरी बात सुनिए। कुरान की जो किताबी शक्ल हजरत सिद्दीक के दौर में हुई, ठीक है, तो क्या वो भी बिदात है? अरे भाई मैं किताबी फिर आपको कुरान तारीफ को बता रहा हूँ, किताबी कान में शक्ल सांडे का तेल डाल के एक बार सुन लो, दीन हाँ में हर वो नया काम, दीन में दुनिया सुनो, में नहीं, समाज समाज की दीन बात में हर की वो हम नया काम समझे, जिसकी सुनो असल जरा और थोड़ी बुनियाद मौजूद ना सुनो, हो। ये समाज समाज की बात किया करो, ठीक है। बस यहाँ पे जबान दीन की अगर संभाली के बात बोल रहा हूँ, करते तुम्हारे हो, कान में हमको लग रहा है सुनो बवासीर हो गई है, सुनो तुम्हारे आवाज ही नहीं जा रही है। मैं कितनी सुनो देर से कह रहा हूँ दीन में हर वो नया काम, दुनिया में नहीं, और तुम कह रहे हो माइक लगाना, तंबू लगाना, ये क्या दीन में लगा रहे हो? इज्जत से बात करो तो काहे वहां पे बैठे, तो कह दो नहीं जिसे अल्लाह के रसूल के जमाने में होता तो वैसे ही बैठ जाते, चिल्लाते आके अलग पड़ के वे। अल्लाह के नबी के दौर में क्या इस्तेमाल होता था? माइक नहीं इस्तेमाल होता था? हाँ, तो ये बिदत हुई कि माइक नहीं रे? इस्तेमाल होता था कि नहीं अल्लाह के नबी के दौर में, ये बताओ। अभी तुम्हारा जिन ना जागने वाला है 2 मिनट में, अभी देखो देखो तुम्हारे जैसे जाहिलों का इलाज है मेरे पास, ठीक अबे है, तुम भी तुम बिदत हो परेशान ना समझे, हो, और तुम्हारा सुन सारा इलाज हम कर सुन देंगे, तुम्हारे ऐसे मेरे भाई जाहिल जब 24 घंटा फोन करते रहते हैं, एक ठीक है। मिनट एक मिनट, हमारी बात अभी सुनो अंडे सुनो में से हमारी मेरे बात भाई सुनो। नए नए बाहर आए हुए, अभी तुम चूजे हो, ठीक है, जरा बैकग्राउंड हमारा एक बार हाँ पता कर अरे लेना, तुमसे ज्यादा मेरे भाई 2000 से ज्यादा हनफियों से बात करके बैठे हुए हैं, अंगूठा सुनो चूसने वाला बच्चा हमको ना सुनो समझना। अब ये बताओ अल्लाह के सुनो नबी के दौर में माइक इस्तेमाल हुआ कि नहीं सुनो, हुआ? अबे पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। जब तुमको मुफ्ती साहब ने कहा है कि एक मरतबा आके बैठ के बात करो तो क्यों नहीं आते, डरते भाई हो क्या? मैं अल्लाह पे भरोसा देखिए, नहीं है? अल्लाह की मुफ्ती जात पे साहब भरोसा इतने नहीं है फेमस तुमको? आदमी नहीं है मेरे भाई, आप बात को समझिए, हर अच्छा गली अच्छा नुक्कड़ पे ये बैठने मान वाला, हर मेरे भाई 2 कौड़ी का मस्जिद का इमाम जो सिर्फ गालियां अच्छा, देता है, उससे क्या मेरे भाई आमने सामने बात करने आ जाएंगे? तुम क्या अभी एमएलए? 16 मार्च को मेरा फारूक खान लैपटॉप बाबा से अल्हम्दुलिल्लाह जो मामला है भाई वो तय हो रहा है, मैं डायरेक्ट जो आपके बरेलवियों के सबसे बड़े सूरमा है मैं उनसे बात करूंगा ना, ये सुनिए गली सुनिए कूचे में सुनिए बैठने सुनिए वाले तो हर दुनिया में मेरे नाम अच्छा से अच्छा चैलेंज कर रहे हैं, उनसे बात थोड़ी ना सुनिए करने आ सुनिए जाएंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, खैर किस दिन है, किस दिन है? 16 मार्च सन 2019 यानी कि अब किल 16 तारीख को, ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे? फारूक खान लैपटॉप बाबा का हमारे पास फोन पे उनसे हमारी बात हुई थी, ठीक है, वो मेरे से बोले कि मैं 16 तारीख को इलाहाबाद आ रहा हूँ, इसलिए तुमको लग रहा है मतलब भाई वो हो गया, सदमा हो गया, तो मैंने 15 मिनट फोन पे उसकी 15 मिनट उसकी फोन पे हालत टाइट कर दी, और मैंने उससे ओपन बोला कि अगर तुम किसी अच्छे माँ बाप की औलाद हो तो इलाहाबाद में आके हमारा नाम लेके चैलेंज करना,
मैं इंशाल्लाह आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब वो 16 मार्च को पता नहीं कहाँ इलाहाबाद में आ रहा है। अगर वो आएगा, अगर वो मेरे नाम को भाई लेके चैलेंज करता है तो मैं इंशाल्लाह आऊंगा ना अपनी अपनी टीम के साथ बात करने। तो जो बड़ा सूरमा बना है उससे बात करेंगे, छोटे मोटे लोगों से ना बात करेंगे। तो भाई आप लोग की कोई इज्जत नहीं है तो क्या मेरी भी इज्जत नहीं है? नहीं, इज्जत की बात ना करें, इज्जत की जो है। और हम आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ मुलाकात करेंगे, आप अपना ही बताते तो आप अपना भी नहीं बताते मेरे भाई। हेलो, भाई देखिए, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी हमारे दीदी भाई हो, लेकिन आपके सुनिए मौलाना साहब को सुनिए समझना चाहिए। 24 घंटा मेरे भाई सुनिए अगर अहले हदीसों की शान में तोहिन करेंगे तो कोई ना कोई तो उनकी हलक में भाई वो डालेगा ना जूता। और हम तो ऐसे हैं कि सुनो पूरी हलक में सुनो हाथ डाल के आते भाई बहन खींच लेते हैं। सुनो सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। जी अगर आप अपना मकाम कहीं बताएं, वहां जाकर मुलाकात कर लीजिए। हमारा मकाम तो मेरे भाई बता दिया ना भाई, शांतिपुरम कॉलोनी में। मैं करेली भी आप आता हूँ, कर्बला भी चले आता गए हूँ। आप कर्बला एक बाजार में कोई में जॉब वगैरह करते आसिफ हैं? भाई को जानते हैं आप? आसिफ भाई कहाँ आसिफ भाई जिनका कबाड़ का काम है। पे? कर अरे भाई जो ये वो नहीं है चकिया, चकिया पे जो भाई भाई वो उधर मस्जिद साइड है में कर्बला कितने की, पड़ी जानता हूँ हिम्मतगंज में, उधर। हाँ मस्जिद, मस्जिद जानता हूँ, बल्कि और कोई मस्जिद जगह जानते नहीं हैं? जानता। मस्जिद के सामने मेरे भाई आसिफ भाई का घर है, ठीक है? उनका भी नाम आसिफ है। कबाड़ का उनका काम है, करोड़पति आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके उनसे पूछ लीजिए अक्कू खान कौन है क्या है, सब वो आपको बता देंगे। नहीं, हमको हमको किसी को पता नहीं करना है कौन क्या है क्या नहीं ना। और लेकिन अगर कहने का देखिए, मतलब अगर यह है मेरे देखिए हम भाई, आपको दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आपको जी दीनी बताइए। बात करनी है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और मारपीट करनी है उसके लिए भी तैयार है, जिस तरीके से आप कर। मेरे को तो बहुत नहीं, अच्छा अगर लगता है। मारपीट, सुनो नहीं सुनो सुनो, मतलब आपको अच्छा लगता लेकिन होगा, जो भी सुनो कीजिएगा सुनो सामने बता के सुनो, कीजिएगा, पीठ पीछे ना कीजिएगा। हमें अप्पू भाई हमारी बात सुन लो, जी हमारी बात। अगर मारपीट करना हो तो ये हम लोग को ये कि अब चले दीन के लिए मारपीट करें। भैया मेरे साथ एक बार नहीं, इसी इलाहाबाद में हाँ मेरे भाई मेरा एक से नहीं 18 18 आदमियों से बहस हो चुकी है, बात हाथापाई तक पहुंच चुकी है। इसलिए मेरे मतलब भाई जो माँ बाप हैं आलमे दीन है, उन्होंने कहा है फालतू किसी से ना उलझो, जो मेन अल्लामा हो उनसे बात अगर तय हो जाए तो उसूल की रोशनी में जमीयत के मेरे भाई ताबे हो के बात करो। कितनी बार तो मारपीट हो आप चुकी है मेरी सुनो इस सुनो दीन के सुनो चक्कर में, सुनो सुनो इसलिए हमारी मैं बात थोड़ा सुनो। भाई मैं कतराता हूँ, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, माँ बाप है, अम्मी अब्बू है, बीवी है, इसलिए ज्यादा मैं किसी से मेरे भाई लपड़ झपड़ करता नहीं हूँ। और आप खुद सुन लीजिएगा, अच्छा मैंने मेरे भाई मौलाना साहब से नईम साहब से कितनी इज्जत से बात की। मैंने कहा अरे भाई थोड़ी देर आप बोलिए, थोड़ी देर आप बोले, इल्मी बात कीजिए ना। वो पूरा बौखलाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, गाली पे गाली और डायरेक्ट अम्मा अब्बा पे एकदम मतलब पहुंचे जा रहे। अब आप हमसे बात कर रहे हो, कायदे से बात करोगे मैं कायदे से बात करूंगा, टेढ़ी बात करोगे भाई मैं उल्टी बात हमारी करूंगा। बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। आप कौन से टॉपिक पे, आपने कहा कि बिदअत के टॉपिक पे बात करेंगे आप? मैंने मौलाना साहब से कहा था कि जिस टॉपिक पे आपको महारत हासिल हो आप उस पे बात करो, थोड़ी देर आप बोल लो, हम सुन ले रहे हैं, फिर हम बोल लेंगे आप सुन लेना, ऑडियो टेप होगी, अच्छा आप अपने लोगों को शेयर कर दो, हम अपने लोगों को शेयर कर देंगे, सुनने वाली जो आवाम में जान जाए कि कौन कितना सच है कौन कितना झूठा है। अल्लाह ताला ने एक आसानी दे दी है, असबाब दे दिया है फोन, जरूरी नहीं है कि हम आमने सामने आए इकट्ठा करें लोगों को। फोन भी है, फोन से एक ऑडियो मेरे भाई टेप होगी, यूट्यूब पे जाएगी, उसको लाखों लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आमने सामने भाई अच्छा 20 आपकी तरफ से होंगे, 20 हमारी तरफ से होंगे, वो बात मेरे भाई उनके बीच ही में रह जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार फोन पे मैं बात तो हो जाए, दो भेजूंगा चार ही बार आएगा। फोन पे बात हो जाएगी, एक दूसरों को हम लोग अच्छे से जान जाएंगे समझ जाएंगे, फिर किसी दिन इंशाल्लाह भाई टाइम हुआ आप भी इलाहाबाद के हो नहीं हम भी इलाहाबाद के, सुनो आमने सामने बात हो सुनो जाएगी। सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। वो जो मोहसिन अंसारी जो अटाले के है, मोहसिन भाई, मोहसिन को जानते हो कि नहीं, जो क्लिनिक दुकान खोले हुआ है? भाई मैं नाम से नहीं जानता हूँ, हो सकता है उनसे मतलब मुलाकात हुई हो। मुलाकात भी होगी, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। वो उससे हमारा भी ताल्लुकात है, लेकिन जी, कहने का मतलब है कि भाई हम किसी की उंगली उंगली नहीं करते कि यार ये क्या ये गाली दे इसको, अब काटो आपकी भाई इसको, आपने माशाल्लाह पीटो। बहुत अच्छी बात की, सुनो सुनो मौलाना सुनो, साहब का हमारी बात बता दीजिए कि बिल्कुल उंगली ना करे वो, उंगली करने की स्टार्टिंग सुनो, उन्होंने की है। हमारी बात सुनो। लेकिन मैं इस सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, अगर कोई मुझे पूछ लेगा तो क्या इससे बहस करेंगे, ठीक है। अगर वो हमारे आलिम ने अगर कोई बात कही आप लोगों से, मैं उनसे जाकर कहूंगा कि हजरत वो फला टॉपिक कह रहे हैं, चलिए आप बात करिए उनसे।
अगर वो भाग जाएंगे तो ये उनकी शिकस्त है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए ना, आपके जो अल्लामा साहब हैं उनसे बोल दीजिए, जो हमारे मतलब जो भाई वो टीम के लोग हैं, पहले उनसे आके मेरे भाई निपट लें, अगर उनसे भाई वो जीत जाते हैं तो इंशाल्लाह भाई फिर उनसे हम बात करने आ जाएंगे। अब हर मेरे भाई छोटे मोटे लोगों के लिए हम नहीं आते ना सामने भाई, आप बात को समझिए, एक इंटरनेशनल आदमी है भाई, ये छोटे मोटे कोई गाँव देहात के नहीं है। ये बताइए, आप बहुत बड़े शहर के है, आप बहुत बड़े सब पूरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, खाली जो ये इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद का ठेका नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का मेरे भाई ठेका है। अच्छा, हाँ, जमीयत का बकायदा भाई हमारे पास कागज रखा है, लेटर पैड रखा है, सब रखा है। मैं जो काम करता हूँ ना मेरे भाई, अपने जो दायरा है दायरे के अंदर करता हूँ, मेरे को कोई बहुत ज्यादा अपनी वाहवाही कराने का शौक नहीं है। किसी दिन हमसे ऐसे मुलाकात करिए कहीं पे, वो भाई चाह रहा है इंशाल्लाह साथ में आएंगे, बिरयानी खाएंगे, लेकिन फिर बात फिर एक ही होगी कि जब भी मेरे भाई आमना सामना होगा, मुलाकात होगी, तो सिर्फ मेरे भाई दोस्ताना बात होगी, कोई दीन की बात ही नहीं होगी। हाँ, वो आप ठीक है, अभी वो आप मिलिए मेरे भाई, वो वेलकम, जब आपको मिलना है इंशाल्लाह मिलेंगे, साथ में बैठेंगे, खाए पियेंगे, वो दोस्ताना अंदाज अपना है, लेकिन अकीदे का जो भाई इख्तलाफ है वो अपनी जगह है। सुनिए, बिग बाजार पे आप काम भी करते हैं, मतलब जॉब वगैरह करते हैं? हाँ मेरे भाई, दो तीन हमारे मेरे भाई टेंडर पड़े रहते हैं, हर जगह हमको जाना रहता है, देखना रहता है, मेरा साला पूरा दिन तो इसी में बीत जाता है, भाग दौड़ में। एक नमाज पढ़ते हैं बगिया बाजार में, तो एक नमाज पढ़ते हैं करबला में, तो एक नमाज पढ़ते हैं शांतिपुरम में, तो एक नमाज पढ़ते हैं अपने ऑफिस के अंदर। मेरा कोई ठिकाने नहीं ना, कभी इधर पूरे इलाहाबाद में भाई मैं नाचता रहता हूँ, इधर से उधर उधर से उधर, कब कहाँ से फोन आ जाए, कहाँ जाना पड़े। ये खराबियाँ मौजूद हो चुकी है, देखे तो मुसलमान का जो हाल इस वक्त, हमारे नौजवानों के अंदर इस वक्त जो हाल है, टिकटॉक फलाने धमाके, नमाज से जो है और दीनी से जो बेजारी चल रही है, इसके ताल्लुक से कोई मेहनत नहीं चल रही, बाकी जिधर देखो ले दे के मुनादरा, ले दे के देवबंदी, अहले हदीस फलाने धमाके, ये सब खत्म होगा कैसे मेरे भाई? हेलो, जी जी बोलिए, बताइए ये सब खत्म होगा कैसे, ये उम्मत का दर्द आएगा कब? एक ही बताइएगा ईमानदारी से, ठीक है भाई, अभी 16 ये क्या बोलते हैं 16 फरवरी था, ठीक है, इसमें हम लोग का हुआ था प्रोग्राम, ठीक, हमारे आलम दीन आए थे, उन्होंने किसी का नाम लेके कोई बदतमीजी की, कोई फालतू बात कही कि ये बरेलवी अगर अपनी माँ की असल औलाद है तो ये साबित कर दे आमने सामने बैठ जाए, नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की, साल से ज्यादा होगा मैं किसी जलसे में जाता ही नहीं किसी, ठीक है, वहाँ के जो दोस्त यार होंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा कि 16 फरवरी को जो प्रोग्राम हुआ है 2019 में कितना मेरे भाई सुकून से हुआ है, और उसका मेरे भाई नाम ही क्या था, ठीक है, इत्तेहाद उम्मत, यानी कि उम्मत को जोड़ने के लिए भाई वो प्रोग्राम था, लेकिन जो बरेलवी लोग प्रोग्राम करवाते हैं वो तुरंत एक ऐसे आदमी को लेके आते हैं जो सिर्फ मेरे भाई उल्टी सीधी बात बोल के बस अपना कोने आतर में पहुंच जाता है। मेरे को ये फालतू की चैलेंजबाजी से मतलब नहीं है कि तुम्हारी माँ रंडी ना हो तो सामने आ जाओ, ये फारूक खान के मेरे भाई जुमले हैं जो इस समय बरेलवियों का सुरमा बना हुआ है, इसी वजह से मैंने उससे फोन पे बात की थी। देखिए वो आप इच्छी बताइए व्हाट्सएप पे कौन से नंबर से हैं? इसी नंबर से, ठीक है मेरे प्यारे भाई, अभी आपके नंबर सेव कर रहे हैं, अभी फारूक खान साहब से जो हमारी बात हुई है आप उसको मेरे भाई सुनिए, आपको भेज रहे हैं उन्होंने किस तरीके से मेरे भाई, अरे यार एक चीज बताइए, आपकी माँ भाई मैं उसको अपनी माँ मानता हूँ, आप भले ही मेरी माँ को अपनी माँ मानो चाहे ना मानो, लेकिन मैं आपकी माँ को अपनी माँ मानता हूँ, दुनिया से रुखसत हो चुकी है, चलिए अल्लाह ताला उनको मेरे भाई अल्लाह ताला मकाम दे जन्नत में, आमीन, ठीक है, लेकिन तब भी आपकी अम्मी कहीं ना कहीं मेरी अम्मी है ना, अब क्या मैं आपसे ये बोल दूँ, मैं लाख मेरे भाई गुस्सा हो जाऊँ, मैं इधर इधर आपको जाहिल बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, लेकिन कभी माँ बहन की गाली आपको नहीं दूंगा। देखिए सुनिए, मुनाजरा जो है वो एक शैतानी काम, मुझे लगता है कि वो तो एक शैतानी काम है, ठीक है, और जब उसमें जब आमने सामने बात होती है ना तो जोश में इतना आगे बढ़ते हैं लोग, इतना आगे बढ़ते हैं, मैंने देखा है कि वहाँ किताबें रखने के बावजूद गाली बक दिया करते हैं,
क्योंकि वहाँ पे फिर अदब खत्म हो जाते हैं और अदब जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई। पहले दौर के मेरे भाई जो होते थे मुनाजरे, वो ये होते थे कि सामने एक दूसरे जो पार्टी बैठती थी एक दूसरे की इज्जत करती थी, एहतराम करती थी, उनका जो अमल होता था वो उसको साबित कर देते थे हदीस से, सामने वाले का जो अमल होता था वो उसको साबित करता था, फिर देखा जाता था किसकी मेरे भाई जो मतलब जो दलील है वो ज्यादा मोतबर है। ये पहले का होता था मुनाजरा। आज का मुनाजरा क्या है, भैया तुम्हारे बाबा ने ये कहा, हमारे बाबा ने ये कहा, तुम्हारे बाबा ऐसा करते थे, हमारे बाबा वैसा करते थे, मतलब कुरान हदीस की बात ही नहीं हो रही है। आपके बुजुर्ग ने ये कहा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, अरे बुजुर्ग ने कहा है, हम उसकी बात कहाँ मान रहे हैं, भाड़ में जाए। एक मिनट अपू भाई, एक सवाल और, मतलब सवाल नहीं है वो, नहीं, नहीं, पूछिए मेरे भाई, जो पूछना है पूछिए, लेकिन थोड़ा स्पीड में पूछेगा क्योंकि हमको यहाँ से निकलना है भी नमाज। हाँ हाँ बस मैं भी, ये एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, बहुत दिन से पड़ी हुई है, लेकिन कोई ताल्लुकात में मुझे इतना वो भी नहीं कि यार इसका बताओ उसका बताओ मुनाजरा से। मेरे पास जो वीडियो है उसको मैं भेज रहा हूँ, उसको आप जो है वो करके भेजे। उसमें उन्होंने कहा है कि तीन रकात वितर, हाँ वितर शायद, और तहज्जुद और आठ रकात तरावीह, तीन रकात तहज्जुद से पढ़ ले वो सारी एक ही नमाज है। उन्होंने फिर दो चार बुजुर्गों का हवाला भी दिया है, तो वो शायद अपने आप को अहले हदीस बता रहे हैं। भाई देखिए, रात की जो नमाज होती है उसको बोलते हैं कयामुल लैल, ठीक। इसके नाम होते हैं तीन, एक होता है भाई वो तरावी, एक होता है तहज्जुद, एक होता है वित्र। ये रात की नमाज है, एक ही नमाज है, नाम इसके अलग अलग हैं। अगर रमजान में ईशा के फौरन बाद अगर आप मेरे भाई इस रात की नमाज को पढ़ते हैं और हर चार चार रकात के बाद इतनी देर आराम करते हैं कि रीढ़ की हड्डी को आपके आराम पहुंच जाए, सुकून पहुंच जाए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तरावी। इसी रात की नमाज को अगर हम रात के आखिरी पहर में पढ़ते हैं, इसको उर्फ आम में कहते हैं तहज्जुद। और इसी रात की नमाज को जो इनकी मतलब जो तादाद होती है उसको अगर कोई बनाता है ताक, यानी कि ऑड, उस लिए अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसको बोलते हैं वित्र। तो ये मेरे भाई ये रात की नमाज है, एक ही नमाज है, वक्त के एतबार से इसके जो नाम है भाई वो चेंज हो जाते हैं, नमाज एक ही है। अल्लाह के नबी के दौर में ये तरावी का अल्फाजी भाई ये मौजूद नहीं था, ये तो मुहद्दिसीन ने इसको समझाने के लिए एक इस्तला दी है कि जो तरावी होती है ये मेरे भाई जमा होती है तरविया की, यानी कि हर चार चार रकात के बाद इतनी देर बैठना कि रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुंच जाए, उसके बाद फिर अपनी आगे की नमाज पढ़ना, इसको उर्फ आम में बोलते हैं तरावी। लेकिन है तो रात की भाई ये नमाज ना, आज तक मेरे भाई क्या आपने कभी सुना है कि नहीं तरावी की नमाज हमने जोहर के बाद पढ़ी है? नहीं, ये रात की नमाज होती है। तो रात की नमाज के अलग अलग नाम है, ये तो हदीस से साबित है। वो ठीक है, मैं हदीस से भी मान लिया। उन्होंने जो जुमला कहा वो बोला अजीब है, उन्होंने ये कहा कि अब के रमजान में बारी भर का डिस्काउंट, तो क्या ये मतलब किसी के वालिद का तो किसी के घर से तो दीन निकला हुआ है नहीं कि वो डिस्काउंट देता फिर, ठीक है। अब की बार रमजान में वो कहना, अगर यूं कहते कि रमजान में ये लोगों के लिए डिस्काउंट, समझ नहीं आता अब की बार रमजान में डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट डिस्काउंट का तो दीन इस्लाम में कुछ है ही नहीं मेरे भाई। दीन इस्लाम में उतना करना है जितना अल्लाह के नबी ने मेरे भाई कहा, बस। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर। चलिए मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। चलिए ठीक है, भेज दीजिए। लेकिन फिर हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए आज देखिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो थे ना, आज वो मेरे भाई इसलिए मेरे भाई मतलब वो बदनाम है क्योंकि उन्होंने एक बात भाई ओपन बोल दी थी कि आज के दौर में अगर मेरे भाई अगर जानना है इस्लाम को तो जो उनके मानने वाले जो लोग हैं मुसलमान उनको ना देखो, कुरान हदीस को देखो। वो उस बंदे ने बिल्कुल बात ठीक कही थी कि आज की तारीख में इस्लाम को जानना है, मुसलमानों को मत देखो क्या कर रहे हैं, कुरान को देखो, हदीस को देखो। ये मैंने सुना है। एक मिनट मेरे भाई, मैं एक मिनट एक बात बोल लूँ। वो मौलाना मिराज रब्बानी है, उनको जानते हैं कि नहीं? मिराज रब्बानी साहब को? हाँ हाँ, मिराज रब्बानी साहब को जानते हैं, उनसे मेरी बात भी होती रहती है। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक के साथ मतलब उनके ताल्लुक उल्टा सीधा भी बोला था कि वो तो डॉक्टर है, उससे कह दो अपना इलाज करे, दवा खाना चलाए, दीन ना चलाए। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? वही मसला।
ये बताइए, लेकिन मेरा गद्दारी भी मेरे भाई इंसान है ना, कोई मासूम तो ही नहीं है भाई। हमारे वहाँ तो खाली जो अल्लाह के नबी हैं खाली वो मासूम है, बाकी सबसे चूक हो सकती है। जो देखिए मिराज रब्बानी कोई हुज्जत हमारे लिए भाई नहीं है, जिसकी बात मेरे भाई कुरान हदीस से साबित होगी उसकी बात को लेंगे, वरना भैया अस्सलाम वालेकुम, बस बात खत्म। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा हिंदुस्तान ने वर्ल्ड लेवल पर ये साबित किया कि डॉक्टर जाकिर नायक का टेररिज्म से जो है ताल्लुक है। भाई देखिए ये मेरे भाई जो नॉन मुस्लिम थे और शिया थे बरेली थे, उन्होंने इसको मेरे भाई जोर शोर से एकदम फैलाया है। एक्चुअल में डॉक्टर मतलब जो है ना डॉक्टर जाकिर नायक, इनका आतंकवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा मेरे भाई फिर वो आने वाले थे हिंदुस्तान, इंटरपोल मतलब भाई ये बता रहा है कि हमने उनके सारे मतलब जो बयान थे उसकी मेरे भाई जांच की, सबको सुना, एक भी ऐसा मेरे भैया कोई बयान भाई को नहीं है जिससे लोग आतंकवादी बन जाए। उल्टा उन्होंने खुद कहा है कितने बयान में कि अगर कोई किसी मतलब कोई एक मतलब कोई इंसान है बेगुनाह, अगर उसकी जान अगर कोई लेता है तो गोया उसने मतलब जो सारी इंसानियत है उसको मार दिया हो। तो ये तो कुरान की आयत पेश करते थे वो, ये उनको फंसाया गया है भाई, टारगेट किया गया है, बात को समझा कीजिए। चलिए ठीक है। और मान भी लीजिए कि अगर वो आतंकवादी मान लीजिए अगर वो हैं भी तो आतंकवादी है तो मेरे भाई जाएं भोगें, अल्लाह उनको देगा ना सजा। लेकिन जो उन्होंने बातें मेरे भाई कुरान हदीस की बताई है, जो बातें उनकी सही है हम उसको मानेंगे। अगर कोई मेरे भाई नंगा भी है, चोर भी है, डाकू भी है, आतंकवादी भी है, अगर वो भी कहेगा अल्लाह ताला एक है तो उसकी बात को मानेंगे। इसका माना ये नहीं कि वो आदमी अच्छा हो जाएगा। ठीक ठीक, मैं आपकी बात ये भी मान लिया हूँ। ठीक है, आप मेरे भाई हैं, मेरे इस्लाह कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक एक मौलाना साहब और हैं, क्या नाम है उनका, थोड़ा यंग है, वो भी बैठते हैं। अरे एडवोकेट फैज सैयद साहब, फैज फैज, अरे वो तो मेरे उस्ताद है, बताइए। हाँ वो आपके उस्ताद है। उनका कहना ये कि जो कलमा है वो जो है बस इतना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, बाकी इसके आगे पीछे ये सब कुछ नहीं है, बस वो अल्लाह के रसूल। तो ये बातें बेहतर है। देखिए अरबी में जो मेरे भाई जैसे हम लोग हिंदी है, अब हिंदी में हम लोग वो चीज मैंने सुनी है कि ये उर्दू की खसूसियात है कि है और है लगते हैं, ठीक है। अच्छा अरबी में ऐसा कोई सेगा नहीं है, सुनिए उर्दू में अरबी में उसके सहगे में उसके अल्फाज में, ठीक है। यहाँ हम अपने लोगों को क्या कहेंगे, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, क्या रसूल। अगर यहाँ जो हमें उर्दू है, यहाँ तो भाई अरबी तो जहाँ पे उर्दू है हिंदी है वहाँ पे तो हम बोलेंगे ना कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और जो मेरे भाई मोहम्मद है वो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अब अगर कोई उससे माना ले लेगी है तो यानी कि इस दुनिया में मौजूद है, तो ये मेरे भाई गलत हो जाएगा ना। देखिए एक मैंने डॉक्टर तारू कादरी की तकरीर जो है उसको सुना है। देखिए वो तो मेरे भाई गुमराह आदमी है, क्योंकि जो बरेलवी लोग हैं वो भी मेरे भाई साफ साफ बोल चुके हैं कि जो ये आदमी है भाई ये एकदम मतलब भाई अकायद इसके अच्छे नहीं है। अच्छा क्या है उसके अकायद आपके नजदीक, बताइए। अरे भाई वो कब्रों से बात करता है, यानी कि कब्र के अंदर मेरे भाई दफना देंगे, ठीक है, इंसान को मुर्दे को दफनाने के बाद फिर उससे बाहर से बात करेगा, कलमा पढ़वाएगा, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बाकायदा मतलब जो इंसान है जिसका इंतकाल हो गया वो कब्र के अंदर है, अब वो उससे बातें करता है, वो मानसिक रूप से मतलब भाई वो बीमार है। अल्लाह आलम बिल सवाब, ठीक है भाई। देखिए फिर हम आपसे कह रहे हैं अहले हदीस में और मेरे भाई बरेलवियों में कोई फर्क नहीं है, फर्क मेरे भाई ये है बीच में जो ये उल्लू मा गए, उल्मा नहीं उल्लू मा, जो अपनी आवाम के दिमाग में इतना डाल दिए हैं ये तो वहाबी हो गया, ये तो गुस्ताख हो गया, बस ये जुमले अगर मेरे भाई हट जाए तो बरेलवी अहले हदीस दोनों एक हैं भाई। बरेलवी भी सबसे ज्यादा मोहब्बत भाई अल्लाह के नबी से करते हैं, और जो भाई जो हम हैं अहले हदीस हमारे भी भाई जो इमाम आजम है भाई वो अल्लाह के नबी हैं, तो दोनों एक ही हैं। बात जो ये उलमाए सू है ना जो मेरे भाई अपने पेट के लिए लोगों को बाप दादाओं का दीन बताते हैं, आसमानी दीन को एकदम मेरे भाई छोड़ देते हैं, उनकी वजह से आज मेरे भाई इख्तलाफ पैदा हुआ है। अब मैं आपसे कहूंगा खाली अल्लाह से मांगो, आप कह दोगे वहाबी हो गया,
आपसे मैं कहूँगा भाई उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ा है, भाई ये तो 24 नंबर हो गया। आपसे मैं कहूँगा कि नहीं भाई अल्लाह के नबी मतलब भाई जिंदा तो है लेकिन अपनी कब्र में जिंदा है, इस दुनिया में नहीं जिंदा है, अरे ये तो माज अल्लाह गुस्ताख हो गया। आपसे मैं कहूँगा कि इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला को है, अल्लाह के अलावा जमीनों और आसमानों का इल्मे गैब कोई को नहीं है। आपका तो अरे ये तो माज अल्लाह भाई तौहीन कर दी। तो इन्होंने अपने दिमाग से पैमाना बना रखा है जी। इल्मे गैब पर एक कुरान की आयत है वो सूरह आले इमरान में है, उसको मैंने पढ़ा हुआ है कई मरतबा। एक हमारे दोस्त थे वो भी अहले हदीस थे तौफीक, वो हाफिज जी हैं, वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, करेली में रहते हैं, तौफीक नाम है उनका, तरावी वगैरह भी पढ़ाते हैं वो। अच्छा, अहले हदीस है वो। हमारी उनकी इस मसले पे बात हुई थी, इंसानियत के लहजे में जो बात होती है वो जी। वो इल्मे गैब पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा छोड़कर किसी को एक रस्ती भी इल्मे गैब नहीं है। मैं उसमें फरमाया कि मैं हर को इल्मे गैब नहीं देता, हाँ जिन्हें चुन लेता हूँ रसूलों में से उन पर रहमत तला कर देता हूँ। और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह का भाई अल्लाह तो अल्लाह का जो इल्म है वो जाती है, ठीक है, और नबी पाक जो जानते थे वो अल्लाह के बताने के जानते थे, ठीक है, वो अल्लाह की अता से अल्लाह की अता से जानते थे। ये हमारा अकीदा है, ये नहीं है कि वो तो मेरे भाई बाकी अकीदा है ना, ये अताई बताई ये सब तो लोगों ने बीच में डाल दिया है। ये थोड़ी नहीं कहते कि हम अल्लाह भी आलिमुल गैब है, नबी भी आलिमुल गैब है। अरे आलिमुल गैब का मतलब ये है कि इल्म का गैब रखने वाला। देखिए इल्म गैब जो है ना वो सिर्फ मेरे भाई अल्लाह सुबहान तआला को है, लेकिन जो बात मतलब जो मतलब बातें होती हैं गैब की छुपी हुई वो अल्लाह सुबहान तआला अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम पे जाहिर कर देता है ताकि वो उम्मत को बता दे। अब जैसे अल्लाह है, अब हमको तो मालूम नहीं है, ये अल्लाह के नबी ने बताया ना कि अल्लाह है, अल्लाह की भाई दोजख है, ठीक है जहन्नम है, ठीक है जन्नत है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दज्जाल को मारेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सब बातें क्या है? ये सब बातें मेरे भाई जो होने वाली हैं और होने वाली बातें अल्लाह के नबी ने पहले बता दी, तो ये अल्लाह की तरफ से बताई ना। सुनिए सुनिए सुनिए, अब शाहरुख कादिर साहब की रही बात, तो उन्होंने एक बात कही है जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत फायदे की बात है, जिससे शायद लोगों लोग को ये लगा कि हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए उनके ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दिए। कौन शाहरुख कादरी? हाँ उनके कभी भाई अगर वो नाम ना लो, तो ये बहुत मेरे भाई जाहिल किस्म का आदमी बगैरत आदमी है। सुनिए बैंगलोर की तकरीर उठा के आप सुनिएगा। और भाई मैं एक जमाने में उनका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, उनके सारे बयान भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कंप्यूटर है उसमें सारे सेव हैं, मैं बहुत बड़ा उनका फैन था। लेकिन मेरे भाई बिना दलील के बात, तुम अपने अब्बा की नहीं मानते तो उनकी कहाँ से मानते हैं? सुनिए 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 सुनिए, आप किसी की माने ना माने, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि आप जो 30 मिनट जो 40 सेकंड का अव्वल का जो बयान है उनका वो सुनिए। सुन चुके हैं क्या है उसमें, ऐसा क्यों उन्होंने बोल दिया चमत्कारी बताइए? वाकई नहीं चमत्कारी नहीं बोला कि उससे आपको बयान करो कि वाकई इनके लिए उम्मत का दर्द है। उन्होंने कहा कि जितने उन्होंने फिरका परस्ती की बात को खत्म करने की बात कही है, ठीक है, और जो लोग फिरका परस्ती में लगे हुए हैं तो उनको लगा कि इसके लोग सुन के बाद हमारी दुकानें बंद होने लगेंगी, इसलिए लोगों ने फतवे लगाना शुरू कर दिया। भाई फिरका परस्ती कभी मेरे भाई खत्म हो ही नहीं सकती उनके कहने से, क्योंकि वो खुद अपना फिरका एक बना रहे हैं ना। आप बात को समझिए, ऐसा नहीं है, वो हमेशा अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरको में ना बटो, ठीक। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। अब साहबा ने पूछा कि उसमें कामयाबी वाला कौन सा होगा, तो अल्लाह के नबी ने उसका नाम भाई नहीं बताया कि वो बरेलवी होगा या देवबंदी होगा या फला होगा, आपने उसका जो मेरे भाई जो अच्छाई थी, ठीक है, उसको बताया कि वो लोग होंगे जो मां आना अलैह व अस्हाबी पर होंगे, यानी कि जिस तरीके पर अल्लाह के नबी और जो हमारे सहाबा थे उनके तरीके पे जो होगा वो मेरे भाई कामयाब हो जाएगा। और इस तरीके पे आज की तारीख में मेरे भाई अहले हदीस के अलावा कोई जमात नहीं है।
नहीं ये तो दावा ऐसा नहीं करना ये चाहिए। दावा मेरे भाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दलीलें आप कहेंगे मैं इंशाल्लाह आपको देने के लिए तैयार हूँ। एक भी सैकड़ों दलीलें दूंगा नहीं। अच्छा ये और ये अहले हदीस का जो लफ्ज है, अहले हदीस का लफ्ज अहले हदीस का माना होता है बात वाले, यानी कि अल्लाह की बात और अल्लाह के नबी की बात, उनको मानने वाले हदीस वाले, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब कोई आज खड़ा हो जाए कहेगा क्या मैंने कुरान है, तो वो एक और बात है। मैं ये कह रहा हूँ आज से 5 साल कबल, क्योंकि मैं भी यहीं पे रहा बड़ा हूँ, कभी मेरे भाई ये नाम नहीं सुना कि अहले हदीस आज से 5-6 साल पहले, लेकिन अभी ये नाम इतना मैंने खुद नहीं सुना था मेरे भाई। मैं 23 साल तक तो मेरे पर हनफी था, नाप के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ता था। उसके बाद जब मेरे पर हदीस आई कि मेरे भाई सीने पे हाथ बांधना चाहिए, तो मैंने सीने पे बांधना शुरू किया। मुझे उसके 2 साल बाद पता चला कि जो लोग मतलब भाई इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं और जो हदीसों को मानते हैं सबसे ऊपर, उनको भाई उर्फ आम में कहते हैं अहले हदीस। ये हमें बाद में पता चला, कोई अहले हदीस को देख के हम नहीं बने थे अहले हदीस, पहले हो गए थे। उसके सालों बाद हमको मेरे भाई मालूम चला कि हाँ भाई जो हम अमल कर रहे हैं, जो हमारा अकीदा है मनहज है, उसका जो नाम है वो मेरे भाई अहले हदीस है। तो अहले हदीस नाम तो हमने भी भैया आज तक कभी नहीं सुना था। हमने तो ये इमाम मतलब ये अबू हनीफा या भाई ये हनफी शाफी इनका भी नाम नहीं सुना था। हमें पहले इतना मालूम था कि जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है, बस। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, कौन बरेलवी, कौन देवबंदी, कौन फला, पता ही नहीं था। वो तो बाद में पता चला ना भाई, जब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो अगर कोई भाई आपको ना मालूम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज मतलब बाद में आई है। अच्छा तो बाद में तो आई है लेकिन। चलिए भाई ठीक है, मेरे भाई कहा सुना माफ कीजिएगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है चलिए ठीक है। अब एक और उनके चेले का किसी का फोन आया था, वो थोड़ा मतलब बदतमीजी कर रहा था, तो फौरन ही उसके बाद भाई आपका फोन आ गया, तो हम सोचे कि उसी ने आपको हमारा नंबर दिया है, इसीलिए थोड़ा हमने मतलब आपसे थोड़ा उस तरीके से बात की। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं प्यारे भाई। ठीक है, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, हमारी किसी से मेरे भाई दुश्मनी नहीं है यार। हम तो खुद ही चाहते हैं भाई मौलाना साहब को जो करना है करे ना यार, लेकिन अहले हदीसों की मेरे भाई उल्टा सीधा काहे बोलते हैं यार। वो अपना मेरे भाई आराम से प्रोग्राम करवाएं, अपने लोगों को फातिहा तीजा सब करवाएं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे भाई बीच में किसी को ताने ना। आप बस समझ रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। मैं दुनिया के चाहे जो आज के जो जितने ठेकेदार बने हुए हैं उन लोगों की बात छोड़ दीजिए। मेरा एक अमल है कि नमाजें पढ़े, रोजे रखें और नबी के ताल्लुक से, उनके अदब के ताल्लुक से बातें करें। ठीक है, बेशक सही बात है। जो ये सुनिए और सहाबा की इज्जत, सहाबा का एहतराम, उसके बाद जो कुरान का अदब, मस्जिद का अदब और सारी चीजों को लेकर चले, और बाकी मेरे भाई ये जलसे जुलूस और ये जितना हरामी पना है जी जी, इससे बालाए ताक रख के चले तो वो ज्यादा बेहतर है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ठीक ठीक, और सुनिए, और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये बरेली, ये देवबंदी, ये अहले हदीस, इन सारी चीजों को मैं नहीं मानता। मैं इन सारी चीजों को एक बात समझता हूँ कि सुन्नत और जमात, जो हुजूर की सुन्नत है और सहाबा की जमात है, उसी के ताल्लुक से चले, बाकी चीजें छोड़ दे कि मैं सुन्नी, मैं देवबंदी, मैं फला, मैं ढिमका, इससे क्या होगा? जी जी, इससे हम लोग खसारे में चढ़े तो आज हजारे में ही नहीं। अभी यहाँ कुंभ का मेला चल रहा था, मैंने अभी सुबह देखा है, आज आखिरी दिन है ना, आज 4 तारीख है 4 मार्च, तो आज आखिरी कुंभ का मेला है। और अभी हमने देखा कि दुनिया भर से लोग आए अपने मतलब जो पाप है उसको धोने के लिए। आप समझ रहे हैं, चाहे वो ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे वो मेरे भाई कोई भी हो, कोई भी जात का हो, सब एक साथ है। लेकिन मुसलमानों में कभी कोई एक साथ होता ही नहीं। एक साथ मेरे भाई तभी होते हैं जब पांचवा उनके कंधे पे होता है। समझ रहे हैं, आज ये हाल है कि कोई किसी आलिम की बुराई करना नहीं चाहेगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप किसी के सामने हमारे मौलाना को तुमने ऐसा कहा, तुम्हारे मौलाना को तुमने ऐसा कहा, अभी देखिए हमने यही, अगर आवाम जो पब्लिक है ना, अगर मौलाना का कॉलर पकड़ के पूछे कि तुमने अब तक हमको अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन क्यों नहीं बताया, तुमने अब तक अपने बाप दादाओं का बुजुर्गों का दीन क्यों बताया, तो ये मौलाना लोगों की जो औकात है ना सामने आ जाएगी। लेकिन अच्छा, आवाम जो होती है ना तुरंत जोश में आ जाती है, अस्तीनों ऊपर कर लेती है।
अच्छा हमारे मस्जिद के इमाम साहब ऐसे बोला, बुलाओ उसको सामने, तो ये सब होने लगता है। और रही बात मौलाना अहमद रजा साहब की, आपने भी उनका भी बीच में जिक्र किया, मैंने क्लिप सुना है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मौलाना अहमद रजा साहब को जो है उन्होंने जितनी सख्ती के साथ औरतों का मजारात पर जाना और जितनी सख्ती मुहर्रम पे कलम बंद किया है। जी जी ठीक है। हाँ मेरी निगाह से और कोई उस टाइप का दिखता नहीं कि इतनी सख्ती ने किसी और आलिम ने किया हो। ठीक है। और अगर सही चीजों पे अमल होने लग जाए ना तो मेरे भाई दुकानें बंद होने लग जाएंगी। भाई अहमद, ठीक है, क्या नाम है उनका, अहमद वो रजा खान साहब, ठीक है, आला हजरत साहब, वो माशाल्लाह भाई उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम तो खुद ही कहते हैं ना, जो बातें उनकी मेरे भाई कुरान हदीस से साबित है उसको ले लो, जो भाई जिन बातों में उनसे चूक हो गई उसको छोड़ दो। लेकिन अब लोग हैं आला हजरत के नाम से नारेबाजी तो करेंगे, लेकिन जब उनकी तालीम जब आती है तो अपने इमाम को भी नहीं मानते। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये लोग मेरे भाई बिद्दती हैं, ठीक है, मुशरिक हैं, इनके लिए मीठा मीठा हप हप है और कड़वा कड़वा थूतू है। वक्त पड़ेगा तो आला हजरत को अपनी खोपड़ी पे बैठा लेंगे और वक्त पड़ेगा तो उनकी बात को अपने पैरों के नीचे रौंद देंगे। तो ये कैसा दोगलापन है। हम इसीलिए कहते हैं सारे इमामों से अच्छा एक इमाम बना लो और उनको बना लो भाई जो अल्लाह के नबी हैं, वो मासूम है, उनकी बात तो माननी ही माननी है, चाहे अच्छी लगे चाहे ना लगे, और जो ना माने उसका मेरे भाई ठिकाना जहन्नम की आग है। अच्छा 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 आपको भाई, आपको कोई और नाम तो वही करेगा। देखिए हमारा जो मनहज है उसके जो मेरे भाई इमाम है वो है इमाम आजम, इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी हमारे मस्जिद के इमाम अलग हैं, ठीक है, हदीसों के इमाम अलग हैं, ठीक है। अब जैसे भाई वो इमाम बुखारी, अब भाई वो भी तो इमाम है, तो इस तरीके के मेरे भाई बहुत सारे भाई वो इमाम है, ठीक है, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा, और बाकी तो ये जो ये मतलब जो चार अइमा है वो भी हमारे इमाम है, इमाम मतलब अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, सब लोग अपने इमाम है। लेकिन सबसे बड़े इमाम वो है जो मासूम है, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने ये मोहर भाई ये मतलब भाई लगा दी अपने आखिरी कलाम में कि मेरा नबी कभी बहका नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उसकी उम्मत में है जिसका नबी मेरे भाई कभी बहका नहीं है, तो उसकी बात मानेंगे ना। अब जो पान खाते थे, हुक्का पीते थे, पता चला उन्होंने हुक्के के नशे में क्या क्या लिख दिया हो, क्या जाने भाई, हम तो उनको अच्छा समझ रहे हैं। आला हजरत साहब जो थे वो मेरे भाई हुक्के के पान के बहुत शौकीन थे, और पान के इतने शौकीन थे कि पान के चक्कर में एक छोटे बच्चे को उन्होंने पेल दिया था। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें जानते क्या है कि किसी के बुजुर्ग को बुरा कहना और अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं, मैं बुरा अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं, फारूक खान जो नहीं लैपटॉप बाबा उन्होंने बीच पब्लिक में कहा कि भाई वो रमजान का महीना था, एतिकाफ की हालत में मस्जिद के अंदर, ठीक है, रोजा इफ्तार के बाद आला हजरत के जो मतलब जो खादिम थे भाई तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, जो पान होता है वो लाने में देर हो गई, तो उन खादिम ने अपने बच्चे से कहा कि जाओ जाके मस्जिद में आला हजरत को पान दिया, और जो उनका बच्चा होता है छोटा वो मेरे भाई पान देने आता है और आला हजरत उसके गाल पे दे तड़ातर तमाचे उसको उड़ा देते हैं। अब बताइए जो मेरे भाई एक बच्चे को पान के चक्कर में फेल दे, अब उसको हम अपने मसलक का इमाम बनाए फिर रहे हैं, तो ये गलत है। मसलक का इमाम सुनिए सुनिए सुनिए, मैं पूरी बात कर लूँ उसके बाद भाई खत्म करेंगे। आला हजरत की सवानी हयात मेरे पास रखी हुई है, ठीक है, उसमें इस तरह का वाकया एक भी वाकया नहीं है, ठीक है, यही तो होता है कि सौ मुंह से सुनो सौ बातें सुनो, तो यानी कि फारूक खान साहब मतलब जो है उन्होंने आला हजरत की मतलब शान में तौहीन कर। सुनो सुनो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आला हजरत कोई फरिश्ते, कोई जिन, कोई ये तो थे नहीं ना, इंसान थे, सही बात है, हाँ इंसान है ना, उससे अगर गलती होगी तो उसका अल्लाह उसको जो जजा होगी वो जजा देगा, जो जो अजाब होगा जो चूक होगी भाई चूक के लिए भाई हम तो दुआ करते हैं अल्लाह सुभान व तआला उसको माफ करे। ठीक ठीक मेरे भाई, और डॉक्टर तहरुल कादरी साहब ने ठीक यही बात कही है कि मसलक का उनवान किसी एक बुजुर्ग पर मुअम्मा ना करो, क्योंकि ये मसलक हजार अइमा बुजुर्गाने दीन का है, यानी हजारों अइमा इकराम का है,
अगर आप इस मसलक को बुजुर्गों के नाम से मुआना करना शुरू कर देंगे तो यहाँ 1000 मसलक खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये करोगे तो ये आप छोटा छोटा फिरका ये नाली और नाला बनाने की बात करोगे, बल्कि वो काम करो समंदर की तरह नजर आओ। ठीक है, हेलो हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, ये काम करो कि लोग तुमको देखे तो समंदर की तरह मुसलमान लगे। अब ये बताइए, जो जो जिसको जिसको बुरा लगा होगा तो वो तो कहेगा ना कि यार ये हमारे बुजुर्गों की तोहिन कर रहा है। हेलो जी जी, सही बात है। हाँ भाई देखिए, हम इस खाली इतना आपसे कहना चाहते हैं, बात मतलब काफी मेरे भाई लंबी हो गई है, ठीक है। हम ये कह रहे थे प्यारे भाई, जो मौलाना साहब आपके हैं, ठीक है, नईम अख्तर साहब, उनसे बोल दीजिए मेरे भाई अहले हदीसों का नाम वो मेरे भाई कभी ना लें, उनको जो मेरे भाई तकरीर करना है करें, जो प्रोग्राम करवाना है करवाएं, अहले हदीसों का नाम लेके अगर उनकी शान में तोहिन करेंगे तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अहले बिदत। पर ये मेरे फतवे से नहीं होंगे, जिनको भाई वो अपना गौसे आजम मानते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे भाई अपनी किताब, ठीक है, बुनियतुत तालिबीन में साहब भाई ये उतार दिया है कि जो मतलब जो ये बिदती लोग हैं, ये अहले हदीस को मेरे भाई बुरा भला बोलते हैं और उनको मेरे भाई अलग अलग उल्टे सीधे अलकाब तो उनको पुकारते हैं। तो उनसे मैं इतने कहना चाहता हूँ कि अहले हदीसों की शान में बिल्कुल तौहीन ना करें, वरना वो मेरे भाई बुनियतुत तालिबीन के एतबार से गौसे आजम के फतवे से भाई वो साबित हो जाएंगे अहले बिदत। तौफीक भाई को मैं बुनियतुत तालिबीन लेके गया था, उन्होंने भी यही बात कही थी, मैंने कहा भाई इसमें दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है, वो परेशान हो गए थे। अरे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ भाई, ओरिजिनल किताब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रखी हुई है, ठीक है, अभी मैं आपको इंशाल्लाह उसका मेरे भाई ओरिजिनल फोटो खींच के आपको इंशाल्लाह भेज देता हूँ। उसमें साफ साफ भाई उतरा हुआ है कि जो बिदती होता है, ठीक है, बिदती की भाई ये पहचान है कि वो अहले सुन्नत अहले हदीस को देख के उल्टा सीधा बोलता है, उनसे मेरे भाई बुग्ज रखता है, नफरत करता है, बुरे बुरे अलकाब उनको देता है।